हेलो छात्रों, आज का टॉपिक है हमारा पॉलीमर। में हम लोग का क्या चला था? वर्गीकरण चला था, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर का तीन लेक्चर हम लोग देख लिए थे। लेक्चर नंबर 4 है, ये हम लोग का लेक्चर नंबर 4 बतलाया गया है। तो हम लोग क्लासिफिकेशन में देखे थे बहुत प्रकार के क्लासिफिकेशन। पहला नंबर में देखे थे क्या, नेचर ऑफ मोनोमर। तो नेचर ऑफ मोनोमर के आधार पर बताया गया था आप लोग को होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। आज का टॉपिक है हमारा क्या, स्रोत के आधार पर बहुलक के प्रकार। स्रोत के मतलब कहाँ से वो प्राप्त होता है, किस प्रकार से वो बनकर तैयार होता है, उस आधार पर हम लोग का क्या है क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। तो हम लोग देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि स्रोत के आधार पर मतलब क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स, मतलब सोर्स कहाँ से प्राप्त हो रहा है, इस आधार पे तीन प्रकार के होते हैं। तो स्रोत के आधार पर बहुलक कितने प्रकार के, तीन प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक बहुलक, अर्ध संश्लेषित बहुलक और संश्लेषित बहुलक। पूरा कंप्लीट वीडियो को अंत तक जरूर देखे। वीडियो को अंत तक देख कर कंप्लीट कंसेप्ट ले। और यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को आसानी से पहुंच सके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, कंसेप्ट के साथ आप लोग समझना शुरू कीजिए, अंत तक वीडियो को जरूर देखिए। तो पहला नंबर, तीन प्रकार के क्या देखे, प्राकृतिक बहुलक। प्राकृतिक मतलब जो अपने आप बनता हो, जिसे कोई मानव नहीं बना सकता या रासायनिक अभिक्रिया द्वारा उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो उसको प्राकृतिक। प्राकृतिक मतलब प्रकृति अपने आप प्राकृतिक द्वारा बनता हो, तो प्राकृतिक बोलो क्या, प्राकृतिक स्रोतों जैसे पेड़, जानवर। पेड़ क्या है, अपने आप बनता, पेड़ के अंदर में जो बहुलक बनता है अपने आप बनता है। तो पेड़ या जानवर से प्राप्त बहुलक को प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। डिफिनीशन देखे कितना आसान है, प्राकृतिक बहुलक बोला तो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त बहुलक को प्राकृतिक बहुलक बोलेंगे। अब प्राकृतिक स्रोत में पेड़ से या तो जानवर, तो पेड़ के अंदर जो बनता है कार्बोहाइड्रेट वगैरह, प्रोटीन वगैरह, तो ये सब क्या पेड़ के अंदर से बनता है, तो ये क्या कहला जाएगा, प्राकृतिक बहुलक। तो प्राकृतिक बहुलक का एग्जाम्पल क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट। पेड़ का, पेड़ से जितना भी फल वगैरह फूल वगैरह बनता है तो उसमें क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है, प्रोटीन, स्टार्च, नेचुरल रबड़। रबड़ का जो गोंद रहता है, रबड़ पहले गोंद के रूप में, पेड़ से गोंद के रूप में रबड़ बनता है, फिर उसको रस, तो ये प्राकृतिक रबड़ जो हो गया, प्राकृतिक रबड़ कहला गया क्या, प्राकृतिक बहुलक। तो प्राकृतिक बहुलक का एग्जाम्पल क्या देखे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, स्टार्च और प्राकृतिक रबड़, नेचुरल रबड़। चलिए नेक्स्ट हम लोग ले चलते हैं क्या, अर्ध संश्लेषित बहुलक। संश्लेषित मतलब मानव निर्मित। पहले ये जानिए कि संश्लेषित का मतलब जिसे मानव द्वारा बनाया गया हो, मतलब मानव निर्मित। लेकिन अर्ध संश्लेषित, पूरा पूरा मानव नहीं बनाया है, पूरा पूरा मानव नहीं, अर्ध संश्लेषित। तो क्या करते हैं, प्राकृतिक बहुलक को ही जब रासायनिक परिवर्तन से नया प्रकार के बहुलक में बदल देते हैं, तो उस बहुलक को हम लोग बोलते हैं अर्ध संश्लेषित। प्राकृतिक बहुलक को लेकर आए, उसको रासायनिक परिवर्तन द्वारा नया प्रकार का बहुलक मॉडिफाई कर दिए, परिवर्तन कर दिए, तो उससे जो प्राप्त होगा, उस परिवर्तन से जो प्राप्त होगा बहुलक, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, अर्ध संश्लेषित बहुलक। समझिए क्लियर से, प्राकृतिक बहुलक के रासायनिक परिवर्तन से बने, मतलब प्राकृतिक बहुलक को रासायनिक परिवर्तन करवा देंगे, अब नया प्रकार के बन जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अर्ध संश्लेषित बहुलक। एग्जाम्पल में हम लोग क्या देख रहे हैं अर्ध संश्लेषित बहुलक का, नाइट्रो सेलुलोज। सेलुलोज जो होता है वो प्राकृतिक बहुलक होता है, सेलुलोज होता है प्राकृतिक बहुलक। और नाइट्रो सेलुलोज मतलब नाइट्रोजन से रिएक्शन करवा के परिवर्तन कर दिए क्या, नाइट्रो सेलुलोज। नाइट्रो सेलुलोज क्या हो जाएगा, अर्ध संश्लेषित बहुलक। और वल्कनीकृत रबड़, प्राकृतिक रबड़ में ही गंधक मिला के, सल्फर मिला के नए रूप में रबड़ को बना दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं वल्कनीकृत रबड़। तो देखिए, रबड़ तो था प्राकृतिक बहुलक, लेकिन उसमें सल्फर मिला के नया रबड़ जो बना दिए, तो वो कहलाया वल्कनीकृत रबड़। तो ये कहलाया अर्ध संश्लेषित बहुलक का एग्जाम्पल हुआ।
तो अर्ध संश्लेषित बनता है प्राकृतिक से ही, केवल उसको रासायनिक परिवर्तन करा के नया रूप में बदल दिया जाता है। क्लियर। अब संश्लेषित बहुलक देखिए क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया द्वारा मानव निर्मित बहुलक को संश्लेषित बहुलक कहते हैं। संश्लेषित बहुलक मतलब मानव निर्मित रासायनिक प्रयोगशाला में रासायनिक अभिक्रिया करवा के नए प्रकार के बहुलक बनाना। था क्या पता चला, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा मानव निर्मित बहुलक को संश्लेषित बहुलक कहते हैं। तो आप क्या देखे, तीनों प्रकार का डिफिनेशन देखे, प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होगा तो प्राकृतिक बहुलक, अब प्राकृतिक बहुलक को रासायनिक परिवर्तन कर देंगे तो अर्ध संश्लेषित बहुलक, अब पूर्ण रूप से मानव निर्मित बहुलक रहेगा। मतलब रासायनिक अभिक्रिया द्वारा मानव निर्मित बहुलक रहेगा तो उसको बोला जाएगा क्या, संश्लेषित बहुलक। संश्लेषित बहुलक का बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे पॉलीथीन, PVC, ब्यूनायन, ब्यूनायस, तो ये सब क्या है, ब्यूनायन होता है, ब्यूनायस होता है, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, और पॉलीथीन प्लास्टिक वगैरह जो प्रयोग करते हैं, तो पॉलीथीन, तो ये सब क्या है, मानव निर्मित। संश्लेषित बहुलक को हम लोग मानव निर्मित बहुलक भी कह सकते हैं। तो हम लोग तीन टाइप का देखे, किस आधार पे, स्रोत के आधार पर, प्राकृतिक बहुलक, अर्ध संश्लेषित बहुलक और संश्लेषित बहुलक। आपको कंप्लीट कंसेप्ट के साथ स्रोत के आधार पर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट दिन आप लोग को संरचना के आधार पर बहुलक के प्रकार बतलाएंगे। तो आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।